तो बाकी भी करेंगे यार शाम में, वो जो लोकल रजिस्ट्रेशन है उसमें हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं जो कल मनकोट के अंदर पाकिस्तान की फायरिंग के साथ जो कैजुअल्टी हुई, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करना चाहता हूं, क्योंकि बॉर्डर सरहदी इलाका पर जितने लोग रहने वाले हैं उन्होंने अपनी जानों को कुर्बानी दे करके इस हिंदुस्तान के एजेंडे को साम के रखा है। आज मुझे बड़ी एक अफसोस से ये बात कहनी पड़ी कि हिंदुस्तान की बॉर्डर के ऊपर जो लोग जो इस वक्त सरहदी इलाका पर हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से तलक रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जान को कुर्बानी दे करके हिंदुस्तान की पूरी हिफाजत करते हैं, लेकिन आज उन लोगों की कीमत सिर्फ 10,000 और 1,00,000 रुपए कीमत उनकी बन चुकी है। मेरी गवर्नर इंतज़ामिया से और हिंदुस्तान हुकूमत से अपील करूँगा कि उन लोगों को सिर्फ 10,000 या 1,00,000 रुपये पर ना रखा जाए, दोनों हुकूमतें इस पर को लाअमल अख्तियार करें ताकि इन जो रोज़मर्रा जो लोगों की कैजुअल्टी हो रही है तो इसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि अगर देखा जाए, क्योंकि कितने दिन हो गए पुंछ बॉर्डर के अंदर देखें कि पिछले हफ्ते में कितनी कैजुअल्टी हो चुकी हैं, लेकिन लोगों की जान चली गई है, उनके लिए आज ही क़यामत है, आज ही उनके लिए जंग है, और बाद में उन्होंने क्या देखना है। तो हम यही गुजारिश करेंगे, हुकूमत से अपील करेंगे कि इन लोगों के लिए कोई मुस्तकिल पूरा अच्छे तरीके से कोई कदम उठाया जाए, दोनों हुकूमतों को बैठ करके इस मसले पर कोई बात करनी चाहिए। आज रात को जो पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हुई मेंढर मनकोट विलेज ताई में, तो एक मोहम्मद सदीक नामी शख्स जिसकी उम्र 65 साल थी, वो अचानक गोला लगने से मौके पर ही उसकी वफ़ात हो गई। तो उसके ख़ानदान के तमाम के दुख में मैं शरीक हूँ और उनको उनके दुख का मैं अपना दुख समझता हूँ। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब करे, क्योंकि ये अचानक जो हादसा होता है गोलाबारी से, तो वो आदमी शहीद हो गया। और मैं अपनी हुकूमत से ये भरपूर हर बार जब भी हमारी कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस होती है, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रधान भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते मैंने हमेशा होम मिनिस्टर साहब को भी 25 दिसंबर से लेके आज तक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी, क्योंकि ये हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में जो बेताली विलेज हैं ये तार के बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं या उस साइड हैं, तो इन लोगों की ज़िंदगी पूरे हिंदुस्तान में अजीब किस्म की सख्त, जैसे कैदी जेल में भी नहीं होता है ऐसी ज़िंदगी है। तो उनके लिए बैंकर वहाँ बने हैं, मगर बैंकरों जब गोलाबारी हो जाती है, अचानक गोला लगता है, तो वो उसको अंदर जाने में, जैसे आपने देखा कुछ दिन पहले खड़ी करमाड़ा में 3 आदमी एक ही घर के बाहर बैठे हुए थे, गोला लगा, वो मर गए। बैंकर इतना खूबसूरत बैंकर, गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी प्रोवाइड की गई कि उनके वो बैंकरों में ना उनके पास कोई पढ़ाई की ज़्यादा सहूलियत है, ना खाने पीने की, ना कुछ। तो उनके लिए मेरी ये गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है, गवर्नमेंट से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो बॉर्डर के लोग हैं उनके लिए खुसूसी पैकेज, अभी हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जो नए आए हैं उनसे मुझे उम्मीद है, उन्होंने कहा कि मैं इनके लिए खुसूसी पैकेज तैयार करूँगा। पहले गवर्नर साहब ने भी हमें यकीन दिलाया था कि ये जो बॉर्डर के लोग हैं इनके लिए हम खुसूसी पैकेज तैयार करेंगे, ताकि उनकी तालीम, उनकी नौकरी, उनकी रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात है उसमें फैसिलिटी हम कुछ प्रोवाइड करें। ये जो मुसीबत है ये हिंदुस्तान आज़ाद हो के भी इन लोगों के लिए बर्बादी है, तो उनके लिए कुछ ठोस इकदाम करें ताकि ये फायरिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने पिछली बार, लोग बॉर्डर से दूर आके रात को सोते थे फिर सुबह अपनी ज़मीनों में जाते थे, तो उन्होंने जाके बात करके मसला हल किया और वो 6 साल लोगों ने बड़े अमन के आराम के बॉर्डर के लोगों ने गुजारे। उसी तरह मुझे उम्मीद है अपनी गवर्नमेंट से कि ये कोई नया हल निकाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट, और जल्दी से जल्दी उनके लिए कोई ऐसी कोशिश करें ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी अच्छी।